Assalamualaikum my YouTube family, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी बहुत ही मज़ेदार सा अदरक वाला अंडा नाश्ते में मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। ये मेरी अम्मी सास की रेसिपी है और पराठे के साथ रोटी के साथ कमाल लगते हैं। एक बार आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, यानी कि ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, बस अब मैं रेसिपी एडिट करके फटाफट डालती हूँ और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी शुरू करते हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें चाहिए 3 अंडे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि 3 अंडों का कम से कम बना लें, अगर ज़्यादा करना है वो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम 3 अंडों का बना लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल आता है, बजाय कि 2 या 1 अंडे का तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि अंडा साथ ही चिपक जाता है। फिर हमें चाहिए जी 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का हिसाब इस तरह रखिएगा, कड़वी होंगी तो 1 इस्तेमाल करें, नहीं कड़वी तो 2-3 इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ये ज़ीरा हमने लेना है पिसा हुआ, नमक इस्तेमाल करना है। ये सब इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद जी ये धनिया भी मौजूद है यहाँ पे एंड पे गार्निश करने के लिए, ज़रा लोग इस धनिए से अच्छी निकल जाती है। सबसे पहले हमारा काम ये होगा, हमने अदरक को छीलना है और पीस लेना है, मिर्चों को भी काट लेना है। ये देखें अदरक को पीस लिया, बहुत पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदरक को इस तरह मोटा मोटा कूनी डंडे में ना पीस लेना है और मिर्चों को बारीक बारीक गोल गोल काट लेना है। चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन कर देना है, उसके बाद पैन रखना है। पैन थोड़ा सा बड़ा था, जो छोटे पैन थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे रखे हुए, इसलिए माजरत। ये देखें जी हमने चूल्हा ऑन करके पैन रख दिया। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर घी शामिल करना है, आप लोग बटर भी शामिल कर सकते हैं, आप लोग देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, मैं इधर घी इस्तेमाल कर रही हूँ सिंपल वाला। सबसे पहले हमने ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना कि जैसे ही अदरक डाले साथ ही अदरक नीचे चिपक जाए, इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। हल्का सा गरम होगा, साथ ही अदरक को इसके अंदर शामिल कर देना है। बहुत गरम तेल में शामिल करेंगे तो अदरक जलने का डर होगा और टेस्ट भी डिफरेंट आ जाएगा। फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता प्यारे प्यारे हाथों से हिलाना है। एक दफ़ा हल्का सा सॉटे टाइप हो जाएगा अदरक, तो इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। बहुत ओवर कुक नहीं करना, ये ब्राउन कलर ना हो जाए, और बस ओवर कुक नहीं इसको करना, ठीक है जी। ये देखें जी अदरक हो रहा है फ्राई, उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। हाथ से करने की इतनी आदत है, मैं भूली गई थी चम्मच मेरे पास है तो हमने चम्मच से, कुछ लड़कियों को ना जो हरी मिर्च होती है बहुत ज़्यादा लगती है हाथ पे, जलन शदीद, मुझे हरी मिर्चों से कुछ नहीं होता, ज़ीरा मुझे तबाह कर देता है मेरे हाथों को। अच्छा, अब हमने हल्का सा सोटे कर लिया हरी मिर्चों को भी, इस पॉइंट पर हमने आग कर देनी है थोड़ी सी आहिस्ता। जब हमने स्पाइसिस ऐड करने हैं, ये देखिएगा आग आहिस्ता कर दें, इन पॉइंट्स का ख्याल रख के आपने बनाने तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए थोड़ा सा हमने डाल दिया, ये जी शामिल कर दी थोड़ी सी दादरी मिर्च, उसके बाद हमने शामिल कर दिया नमक। अच्छा, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इमान और दायम, बस इमान और दायम की दफ़ा मैं हरी मिर्चें और लाल मिर्च स्किप कर देती हूँ, बाकी ज़ीरा नमक और अदरक अंडा इसी तरह ही सारा बनाती हूँ, ठीक है जी। अब हम डालेंगे जी ये ज़ीरा पिसा हुआ थोड़ा सा। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आप लोग ये बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं अक्सर ये करती हूँ कि इस तरह का बना देती हूँ, फिर ईमान को ना 2 स्लाइस टोस्टर में, वो क्या होता है सैंडविच मेकर में रख के हल्का हल्का अंडा लगा के सैंडविच बना देती हूँ, अंदर एक बटर की लेयर लगाती हूँ स्लाइस के ऊपर, ये अंडा रखती हूँ और सैंडविच बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा लगा के, बहुत शौक से ईमान खा लेती है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए भी ट्राई करें, बड़ों को दें, बड़ों को जब देना होगा स्पाइसेस थोड़े कम रखें, खुद खाना होगा स्पाइसेस ज़्यादा करें। जब वेस्ट में खाना होता है वेस्ट के तब मुझे ज़्यादा सारी हरी मिर्चें चाहिए और उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। हमने डाल दिए ये 3 अंडे। अंडे डालने वक्त भी आग बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आग पे ही हम लोग ने अंडे डालने, तेज़ आग होगी तो फ़ौरन अंडा ना पक जाएगा। अभी हमने सब अंडे डालने के बाद इसको हिलाना है अच्छी तरह, अच्छी तरह हिलाने के बाद जब हर चीज़ मिक्स हो जाएगी वाइट पार्ट और येलो वाला पार्ट, फिर हमने आग तेज़ करनी है ताकि फिर ये पक जाए। ये देखिए एक दफ़ा सारा अच्छी तरह हिला देना सर्कुलर मोशंस पे, और कोशिश कीजिएगा नॉनस्टिक लें, नॉनस्टिक में ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अगर नॉनस्टिक नहीं लेंगे ना तो नीचे चिपकने का अंडे का बहुत होता है, आधा नीचे चिपक जाता है, फिर खुर्च खुर्च के उसको उतारना पड़ता है तो फिर मैसी मैसी सा हो जाता है काम। ये देखिए जी अंडे हो गए हैं मिक्स, अब हम आग को यहाँ पर तेज़ कर देंगे, इसको अब गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब आप लोग की मर्ज़ी है, बहुत ज़्यादा ब्राउन आप लोग पसंद है अंडा तो आप बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लें, मीडियम पसंद है मीडियम कर लें, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ये देखें जी बड़े मज़े सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया, ये अंडे बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये देखें, और ये ऊपर गार्निशिंग कर दिया
धनिया की। अच्छा, गार्निश करने के बाद धनिया को बंद नहीं करना इधर चूल्हा, धनिया को भी हल्का सा दो डोइयां वगैरह मार के ना सेट कर लेने, क्योंकि जब ये प्रॉपर धनिया पक जाएगा उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा निस्बत इसके कि धनिया डाल के फ़ौरन बंद कर दिया, कच्चा कच्चा धनिया रह जाएगा, उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए धनिया डाला, हल्का सा डोइयां चोइयां मारी और डोइयां चोइयां मारी, समझ रहे हो ना। चलें जी, ये है रेडी स्टेडी गो हो गया। अब इसके साथ रोटी खा सकते हैं या पराठा खा सकते हैं, मैं कहती हूँ नमक वाला पराठा खाएं, ऊपर ये रखें अंडा और साथ चाय का कप, वाह 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 वाह, मज़ा ना आया तो आके ना मुझे बताना ज़रूर कि मज़ा नहीं आया। ये देखें जी, चूल्हा हमने कर दिया बंद, अब बारी है पराठे की। नमक डाल के क्रिस्पी सा छोटा सा पराठा बनाएंगे। ये जी बहुत बारीक सा छोटा सा पराठा, अब जूम किया हुआ तो इसलिए बड़ा लग रहा है। ये हमने ऊपर अंडा रखा। ये थी जी आज की रेसिपी, उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, कुछ खाने का मूड नहीं है, कुछ समझ नहीं लग रही क्या खाएं, लेकिन खाना बड़े मज़े का है। तो आप लोग ये बनाएं और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दें, मैं आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। अगली रेसिपी आप लोगों को कौन सी चाहिए, अच्छा जो पेरी पेरी और स्पाइसी राइस वाली रेसिपी है वो भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। मम्मा पूछ रही थी किस किस ने बनाया, तो मैं उनको कहती थी कल ही तो भी रेसिपी पोस्ट की, एक दो दिन तक जब कोई बनाएगा तो मैं आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर करूंगी। चले जी, मेरी चाय भी रेडी हो गई, पराठा भी रेडी था, अब मैं नाश्ता करती हूँ। ओके जी, रब रखा।